बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 14 में पहले भी बात कर ली थी, लेकिन जिस दिन हमने क्लास ली थी गूगल मीट पे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे जी मैं क्लियर नहीं हूँ कुछ चीज़ें, तो इसलिए हम दोबारा इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ रह गई थी हमारी, तो उसको तो देख लें ज़रा आप लोग। यहाँ पे कहा गया था कि अ शेल फायर्ड विद स्पीड वी एट एन एलिवेशन, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन, हिट्स एन एयरशिप एट हाइट एच विच इज़ मूविंग हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द गन विद स्पीड वी नॉट। यानी ये जो स्पीड वी नॉट है, ये किसकी स्पीड है बच्चों? एयरशिप की, एरोप्लेन की स्पीड है। शो डैट इफ़, और ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन हम कहेंगे कि वो जो शेल है हमारा वो उस प्लेन को हिट करेगा, ठीक है। द शेल माइट आल्सो हैव हिट द एयरशिप इफ द लेटर हैड रिमेंड स्टेशनरी इन द पोजीशन इट ऑक्यूपाइड व्हेन द गन वाज एक्चुअली फायर्ड। इसका क्या मतलब है? यानी अगर जहाँ पे हमने देख के, जहाँ पे एयरशिप को देख के हमने शेल फायर किया था, अगर एयरशिप वहीं का वहीं ठहरा रहे तो तब भी हमारा शेल उसको हिट करेगा। और जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एयरशिप आगे की तरफ मूव करेगा तो हमारा शेल भी इसको आगे जाके हिट करेगा बच्चों। अब यहाँ पे एक तो हाइट है, हमारे पास हाइट फिक्स्ड है जिस हाइट पे हमने शेल को फायर किया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हमने अल्फा की जगह थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेना है, और जो शेल की स्पीड है बच्चों, इनिशियल स्पीड है, वो कैपिटल वी हमने रख लेनी है। देखें जी, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द एयरशिप व्हेन द शॉट वाज फायर्ड। शेल को जब फायर किया गया तो उस वक्त हमारा एयरशिप यहाँ पे था, उसको ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। एंड इट हिट द प्लेन एट बी। अब उस वक़्त जब हमारा शेल यहाँ पे फायर किया गया तो हमारा प्लेन कहाँ पे था? यहाँ पे। फिर प्लेन इस तरह मूव करता रहा स्ट्रेट लाइन में, और हमारा शेल जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री में मूव करता रहा, जो कि पैराबोला है उसमें मूव किया हमारा शेल, और आगे जाके इन दोनों का कोलैप्स हुआ यहाँ पे बी पॉइंट पे जाके बच्चों। यानी हमारे शेल ने एरोप्लेन को हिट किया है कहाँ पे? पॉइंट बी पे। इफ टी इज द टाइम टेकन बाई शेल, यहाँ पे हेल लिखा हुआ है, आप एस बी शुरू में लिख लें, ठीक है, बाई शेल टू रीच हाइट एच, अगर हाइट एच पे पहुँचने के लिए टाइम टी लगा हो, देन हमें पता है जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की, उनमें से एक इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस वन ओवर टू जी टी स्क्वायर। इसमें बच्चों हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारे पास इनिशियल वी नॉट, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल वी है शेल के लिए, थीटा और अल्फा की जगह यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा को बजाय लिखना चाहिए अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ये जो मैं आपको करेक्शन करवाता रहता हूँ, आप लोग इसको साथ साथ करेक्शन कर लिया करें इसकी, ताकि आपको इसमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। एंड y इज इक्वल टू एच वी गॉट, तो हमें क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, क्योंकि y इतनी हाइट हमें रिक्वायर है, इस हाइट पे एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ t की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यानी हाइट h पे ये हाइट h ये वाली है, जो इस हाइट पे हमारा शेल किस किस वक्त में पहुंचेगा, ठीक है। जैसे देखो ये ऊपर जा रहा है तो दोबारा भी तो नीचे आएगा, तो इस हाइट पे दोबारा भी पहुंचेगा, तो किस किस वक्त पे हमारा शेल इस हाइट पे होगा, तो ये टी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। फर्ज करो टी की वैल्यू एक आ गई है हमारे पास 15 सेकेंड, और एक आ गई है 30 सेकेंड। 15 सेकेंड और 30 सेकेंड पर हमारा जो शेल है
वो एच हाइट पे होगा, ये 15 सेकेंड, और यहाँ जब यानी ए पे जब पहुँचा था उस वक्त 15 सेकेंड हुए थे और उसको फायर किए हुए, और जब वो बी पॉइंट पे पहुँचा तो उसको 30 सेकेंड हो चुके थे फायर किए हुए। तो ए से लेकर बी तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लगाया आप बताएं? 15 सेकेंड लगाए जाहिर है। और बच्चों इतना ही टाइम लगाया है ए से बी पर पहुंचने में एरोप्लेन ने, लेकिन एरोप्लेन ये तो नहीं देख रहा था ना कि हम नीचे से शेल फायर किया जा रहा मेरे ऊपर, वो तो अपने टाइम के लिहाज से मूव कर रहा था। तो जिस वक़्त देखो, जिस वक़्त हमारा ये शेल यहाँ पहुंचा उसी वक़्त यहाँ पे एयरशिप भी पहुंचा, तभी तो कोलैप्स होगा, तभी तो दोनों टकराएंगे। ठीक है, फर्ज करें हम इतना टाइम का गैप होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें 12 बजे यहाँ पे एरोप्लेन को एयरशिप को देखा गया और उसी वक्त शैल को फायर कर दिया गया। ठीक है, अब बचो 12:30 बजे जो एयरशिप था हमारा वो यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच गया, और 12:30 बजे ही यानी 15 मिनट आधे घंटे बाद 12:30 बजे हमारा शेल भी बच्चों बी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि इतना टाइम डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इसको ऐसा फ़र्ज़ कर रहे हैं। आपको पता है मैथ वाले कुछ भी फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहुंच गया, अब दोनों को लैप कर गए। अब अपना टाइम जो टोटल टाइम यानी यहाँ बी पहुँचने में एयरशिप ने लिया है वो क्या है? 12:30 यानी T2, वो टाइम जो सेकेंड टाइम है हमारे शेल का। लेकिन ए से बी पर पहुँचने में शेल ने कितना टाइम लिया? यानी अगर यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे पहुँचा फर्ज करें 12:15, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 12 बजे फायर किया था ना, बी पॉइंट पे पहुँचा है वो 12:30 बजे, तो ए पे कब पहुंचा होगा? 12:15 फर्ज किया और यहाँ पे पहुंचा 12:30। तो बच्चों जो शेल का टाइम है ए से लेकर बी तक वो कितना होगा? वो होगा 15 मिनट, क्योंकि 12:15 बजे वो यहाँ था और 12:30 यहाँ पहुंचा, तो 15 मिनट उसने लिए होंगे ए से बी तक आने में। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम शेल का टाइम फाइंड आउट करेंगे यानी उसने कितना टाइम लिया ए से बी तक, तो हम क्या करेंगे? टाइम एट बी माइनस टाइम एट ए करेंगे, तो हमारे पास टाइम टेकन बाय द शेल फॉर मूविंग फ्रॉम ए टू बी आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है ए बी, हमने दोनों के लिए फाइंड आउट करना है, एयरशिप के लिए भी फाइंड आउट करना है और शेल के लिए भी फाइंड आउट करना है बच्चों। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दो टाइम आ गए जहाँ पे हमारा शेल जो है वो पहुँचा हाइट एच पे। तो ए से बी तक जाने के लिए शेल ने कितना टाइम लिया? तो फाइनल पोजीशन का टाइम माइनस इनिशियल पोजीशन का टाइम, हमने उसमें से ये फाइनल पोजीशन का टाइम था इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट पोजीशन के टाइम को, हम बस टी कैपिटल टी की वैल्यू आ गई और हमने अब डिस्टेंस फाइंड आउट। अब देखें बच्चों ए बी जो है ये डिस्टेंस सेम है एयरशिप के लिए भी और शेल के लिए भी, ए बी जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, आप इस फिगर में देखेंगे तो ए बी जो डिस्टेंस है ये तो सेम है शेल के लिए भी और एयरशिप के लिए भी। तो हम ए बी डिस्टेंस शेल के लिए भी फाइंड आउट करेंगे और ए बी डिस्टेंस एयरशिप के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो कि हमें पता है ये ए बी तो डिस्टेंस है और ये कभी चेंज नहीं होगा, सेम डिस्टेंस है पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसका मतलब है दोनों डिस्टेंस जो आए होंगे वो सेम आए होंगे, तो उन दोनों को हम इक्वल रख देंगे और वहाँ से हमारी जो कंडीशन है वो अब सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमने ये टाइम निकाली शेल के लिए, तो शेल के लिए डिस्टेंस ए बी क्या होगा हमारे पास? हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था और इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी वो कैपिटल वी थी, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? कैपिटल वी कॉस थीटा,
और साथ में टाइम इसका मल्टीप्लाई कर दें। टाइम हमारे पास ये है बच्चों, इसको यहाँ पे रखेंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास ये ए बी डिस्टेंस आ गया। अब यही ए बी डिस्टेंस हम यूजिंग दी एयर शिप, उसकी जो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके ज़रिए हम डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई एयर शिप इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। हमें क्वेश्चन में गिवन किया गया था कि वेलोसिटी ऑफ द एयर शिप कितनी है, वी नॉट, तो वेलोसिटी की जगह हमने वी नॉट रख दिया और टाइम की जगह हमने T2, क्योंकि 12:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचा है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो एयर शिप का अपना टाइम जो है वो वहाँ पर T2 होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि बच्चों ये जो T1 और T2 है, दोबारा बता रहा हूँ, ये T1 और T2 ये जो हमारे पास है ये तो है शेल के लिहाज से, और T2 हमने एयरशिप का टाइम भी क्यों रख दिया, क्योंकि जो T2 हमारे पास शेल का टाइम है वो टाइम और एयरशिप का टाइम जब ये कोलैब करेंगे मैच करना चाहिए, अदरवाइज ये कोलैप्स ही नहीं करेंगे, इसलिए हमने T2 रखा है एयरशिप का टाइम। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ए बी डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का हम इक्वल रख देंगे। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। कोई ऐसी सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल है नहीं, कैपिटल ये जी जो है जी से कैंसिल आउट कर दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों इसको एक तरफ ले आए, ये जो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले जाएं, ये वी नॉट वी साइन थीटा है इधर रहने दें, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यही हमने कंडीशन प्रूव करनी थी जो आपके पास बन गई है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे कहा गया कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी नॉट एंड एट कॉन्स्टेंट हाइट एच, शो डैट इफ अ गन इज फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट द एरोप्लेन आफ्टर इट हैज़ पास डायरेक्टली ओवर द गन व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एज सीन फ्रॉम द गन इज अल्फा। अब देखें यहाँ पे इस कंडीशन को ज़रा समझें, यहाँ पे आपकी गन है जहाँ से आपने फायर करना है इसको, और डायरेक्टली अबव द गन यहाँ से कोई एरोप्लेन गुजरा, बिल्कुल ऊपर से एरोप्लेन गुजरा, और जब बिल्कुल ऊपर से गुजरते हुए जब वो ए पॉइंट पर पहुंचा जहाँ पे बच्चों हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, अल्फा था, तो उस वक़्त हमने उसको देख लिया और फिर हमने उस वक़्त फायर किया। अब हमने ए पे फायर नहीं किया, हमने एक पॉइंट ब्लैंक यहाँ पे खाली जगह पे हमने अपनी कैलकुलेशन करके खाली जगह के ऊपर हमने फायर किया, और इस अंदाजे से किया कि जब तक हमारा ये जो शेल है ये बी पॉइंट तक पहुँचेगा तो उस वक़्त तक ये एरोप्लेन भी अगर इसी स्पीड से और इसी डायरेक्शन से मूव करता रहे तो ये भी उसी पॉइंट पे पहुंच चुका होगा और जहाँ पे हमारा शेल इस एरोप्लेन को हिट कर देगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और इनको हमने कुछ नाम दे दिए, फर्ज करें हमने यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जहाँ पे देख के हम जहाँ पे देखा था हमने एरोप्लेन को और हमने फायर किया था कैलकुलेशंस करके, वहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास अल्फा है और हाइट ऑफ द एरोप्लेन ये तो सेम रहेगी, वो सेम डायरेक्शन में सेम हाइट पे मूव कर रहा है, तो ये एच हमने रख दी और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा रख दिया। अब जहाँ पे जाके हिट करेगा उसको हमने पॉइंट बी कह दिया, और वहाँ से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, उसको हमने डी का नाम दे दिया, ये कुछ हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया है। अब द शेल विल हिट द एरोप्लेन प्रोवाइडेड डैट, कहता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो शेल एरोप्लेन को हिट करेगा, वेयर कैपिटल बी इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट द पाथ बीइंग अज्यूम्ड पैराबोलिक, और ये अज्यूम्ड है कि जो शेल का टाइम शेल का हमारे पास जो पाथ है यानी ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे वो भी पैराबोलिक है, और ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे लेट ए बी दी पोजिशन ऑफ द प्लेन व्हेन शॉट वाज फायर्ड, मैं बता चुका हूँ आपको, एंड इट हिट द प्लेन एट बी, और ये बी पे जाके हिट करता है, लेट वी नॉट बी दी स्पीड ऑफ द प्लेन, वी नॉट बी द स्पीड ऑफ द प्लेन एंड कैपिटल बी इज द स्पीड ऑफ द शेल। तो यहाँ से ए बी डिस्टेंस, ये जो ए बी डिस्टेंस है बच्चों
ये आपके पास कितना होगा, यानी स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इनटू टाइम, वेयर टी इज द टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन फ्रॉम ए टू बी। और यही टी जो टाइम होगा बच्चों, ये शेल के लिए भी इतना ही होगा, क्योंकि जब हमने उसको ए पे देखा था, हमने उस वक्त शेल को फायर किया था, अब उतना ही टाइम ए से बी तक जाने में एरोप्लेन लेगा जितना हमारा शेल ओ से बी पर आने में लेगा, तभी तो कोलैप्स होगा, अदरवाइज वो इसको हिट नहीं करेगा। इसको आप दोबारा सुनिए इस चीज़ को जो मैंने बताई आपको अभी, कि जितना टाइम, यानी हमने एरोप्लेन को ए पे देखा और हमने उस वक्त फायर किया, तो अगर 5 सेकंड लिए हैं ए से बी पर आने में एरोप्लेन ने, तो 5 सेकंड ही लेने चाहिए हमारे शेल को बी पर आने के लिए, अदरवाइज ये हिट नहीं करेगा। यानी अगर हमारा जो शेल है वो 6 सेकंड लेता है, तो 5 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे, और 6ठे सेकंड में जो एरोप्लेन है वो आगे मूव कर चुका होगा, तो 6ठे सेकंड में शेल को यहाँ पहुँचने की क्या ज़रूरत, शेल पहुँच भी जाएगा तो हिट नहीं करेगा, आगे पास कर जाएगा। तो इसलिए जितना टाइम ए से बी पर आने में एरोप्लेन ने लिया है, उतना ही टाइम लेना चाहिए शेल को ओ से बी पर आने में। और जो ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया वी नॉट डी बाई यूजिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द एरोप्लेन, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखें हमारे पास वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ बी मौजूद है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ ए भी मौजूद है, क्या है भला, एच, ठीक है। यानी हमारे पास हाइट वाई एक्सिस के अलोंग जो मौजूद है ए की और बी की, वो क्या है, एच मौजूद है, तो इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द बी मौजूद है हमारे पास बच्चों एच। हम इसका हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट यानी अब सीसा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ऑर्डिनेट हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो अब देखें हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये किसके इक्वल होगा, ओडी के, यानी यहाँ से हमने चलना शुरू किया तो ओडी के इक्वल होगा ना, ओडी इज दी हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट एंड डी बी इज दी वर्टिकल कोऑर्डिनेट, और डी बी हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, एच के इक्वल, इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि हमें तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट का पता है विच इज एच, वो तो बच्चों हमारे पास एच है। अब ओ डी, ओ डी इज दी हमारे पास हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट। अब ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ डी को हम लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, देखे ना, ओ डी इसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, ओ सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, तो हमने ओ सी प्लस सी डी लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखें ओ सी को हम तो फाइंड आउट करते हैं, सी डी हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ओ सी प्लस सी डी आ जाएगा, यानी ओ डी इसके इक्वल आ जाएगा। अब सी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और ए बी हमने फाइंड आउट किया वी नॉट टी के इक्वल, तो बच्चों हमने ए बी की जगह यानी सी डी की जगह ए बी रखा, और ए बी की जगह हमने वी नॉट टी रख दिया। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ओ सी, तो ओ सी को हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ओ ए सी या ओ सी ए, इस ट्राइंगल से हम फाइंड आउट करेंगे अपने ओ सी को। अब बच्चों इसके अंदर हमारे पास ओ ए अननाउन है, ए सी का हमें पता है एच, और ओ सी हमने फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम ए सी और ओ सी का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओ सी हमारे पास बेस है, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारे पास जो रेशो होगी वो क्या होगी, टेन अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास टेन अल्फा आ जाएगा ए सी ओवर ओ सी, ये हमारे पास आ गया ए सी ओवर ओ सी इज इक्वल टेन अल्फा, और जो ए सी हमारे पास एच के इक्वल है, एच वैसे रहा इज इक्वल टू टेन अल्फा, और हमने चूंकि ओ सी फाइंड आउट करना है तो ओ सी को उधर ले जाए, टेन अल्फा को नीचे ले जाए, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा ओ सी इज इक्वल टू एच ओवर टेन अल्फा इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा, तो ओ सी की वैल्यू भी आ गई। अब आप हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट ऑफ बी के अंदर ओ सी की वैल्यू भी रख दें एच कॉट अल्फा, और ए बी की वैल्यू हमारे पास वी नॉट टी है, इसको हम लेके आगे प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट भी आ गया और वर्टिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले मौजूद है हमारे पास एच। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा टी और वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस वन ओवर टू जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और इतने अपने जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं उनको हम यूज़ करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास पहले तो वी नॉट को उसने रिप्लेस कर दिया है कैपिटल वी से, सिंस बी लाइज ऑन द ट्रेजेक्ट्री, जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे जाके बच्चों शेल ने हिट किया है एरोप्लेन को, वो हमेशा ट्रेजेक्ट्री ऑफ शेल के ऊपर मौजूद होता है। अगर वो पॉइंट जहाँ पे जाके शेल हिट करता है किसी भी चीज़ को, वो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पे मौजूद ना हो तो कभी भी हिट नहीं कर सकता। उसके रास्ते में आएगा, शेल के पाथ में आएगा एरोप्लेन, तो तब उसको हिट करेगा ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, ये बी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई करता है। अगर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी इक्वेशन किसी भी पाथ के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्स की जगह ये एच कॉट अल्फा प्लस वी नॉट टी और वाई की जगह एच को पुट कर दिया। पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर टू को लेकर चलते हैं, एक्स की जगह हमने ये पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा एच कॉट अल्फा प्लस वी नॉट टी इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा टी, और यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको इधर ले आए और टी को कॉमन लेके टी की वैल्यू को फाइंड आउट करें, टी इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा। अब इस टी की वैल्यू को बच्चों इस इक्वेशन नंबर थ्री में यूज़ कर दें और सिंप्लीफाई करें तो कोई काम नहीं रह जाता बाद में। सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, ये सिंप्लीफिकेशन को करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, वही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। पैराबोला ऑफ सेफ्टी, देखें बच्चों हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी क्या होता है, विच टचेज द एवरी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज फॉर्म्ड इनवर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। देखें यहाँ भी हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से हमने सेम इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करते हुए किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया यूजिंग डिफरेंट एंगल्स, यानी हमारे पास एंगल्स डिफरेंट हैं, बाकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो सेम है लेकिन एंगल डिफरेंट। अब फर्ज करें हम इस डायरेक्शन में करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का पाथ बनेगा, ये डायरेक्शन में हमने किया तो इस तरह का पाथ बना, इस डायरेक्शन में करेंगे तो इस तरह का पाथ बना, और डिफरेंट डायरेक्शन पर जो इस तरह डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पाथ बनेगा, यहाँ पे इस तरह का पाथ बनेगा, और ये डिफरेंट पाथ्स। तो एक ऐसा पैराबोला जो इन सारे जो पाथ्स हैं हमारे पास, जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, और ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन क्या है कि सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट की जा रही हैं और सेम स्पीड यानी सेम वेलोसिटी से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन प्रोजेक्टाइल्स को, और डिफरेंट एंगल्स, एंगल डिफरेंट है बाकी बाकी सारा कुछ सेम है। तो अगर यहाँ से हमारे पास बहुत सारी ट्रेजेक्ट्रीज बनती हैं तो एक ऐसा पैराबोला जो इन सारी ट्रेजेक्ट्रीज को टच करे उसको हम बोलते हैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और ये इनवर्ड यानी अंदर की तरफ से, ये पैराबोला अंदर अपने अंदर की तरफ से इनको टच कर रहा है तो इसको हम पैराबोला ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं, पैराबोला ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए कि हम मैथ के अंदर एक फिगर पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इनवेलप। मैं आपको फिगर दिखाता भी हूँ जी, इस फिगर पे गौर करें आप लोग। ये फिगर हमारे पास इस तरह है कि ये आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो एक ऐसी कर्व जो हर कर्व के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, यानी इसका छोटा सा पार्ट इस कर्व पे टेंजेंट है, ये वाला पार्ट इस कर्व पे टेंजेंट है, ये वाला पार्ट इस कर्व पे टेंजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कर्व जो एक फैमिली ऑफ कर्व्स में से हर कर्व के ऊपर टेंजेंट हो उसको हम बोलते हैं इनवेलप। तो यहाँ पे जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी है वो इनवेलप का रोल भी अदा कर रहा है। आप इसको देखें ज़रा, यहाँ पे जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज बनेंगी वो सारे के सारे पाथ्स हैं, वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं सारी की सारी, और हमारा पैराबोला उनको एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए पास कर रहा है, यानी हमारा पैराबोला जो है वो टेंजेंट है
इनमें से हर कर्व के ऊपर, इनमें से हर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर टेंजेंट है, तो इसको हम यहाँ पे इसको हम एज एन इनवेलप भी समझ सकते हैं, और इसको हम यूज़ करेंगे आगे एज एन इनवेलप, इनवेलप की कंडीशन को यूज़ करेंगे। इनवेलप की कंडीशन में जो यहाँ पे क्या होगी, देखिए जब ये जो हमारे पास कर्व है ये सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कर्व का इस इनवेलप के ऊपर सिर्फ एक ही सोल्यूशन, यानी एक ऐसा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मौजूद है जो इस कर्व और हमारे इनवेलप का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, वो एक ही है, दो नहीं है या ज़ीरो नहीं है, वो एक पॉइंट, यूनिक पॉइंट मौजूद है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा था उसको, ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ा था बच्चों, तो वहाँ पर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac = 0 होगा तो हमें सिर्फ एक रूट मिलेगा। तो यहाँ पे देखें एक रूट है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनेगी तो उसमें सिंगल रूट होगा और इसमें उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, और ये कंडीशन हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि पैराबोला ऑफ सेफ्टी जो है वो भी एक एनवेलप है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पता है बच्चों, y = x tan alpha - g x² / 2v0² secant² alpha, और secant square alpha की जगह हमने 1 + tan² alpha रख दिया, और इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास tan alpha में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी वेरिएबल tan alpha में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब मैंने आपको बताया कि चूंकि हमें पता है कि फॉर इनवेलप, इनवेलप के लिए जितनी भी हमारे पास कर्व होती हैं वो उस इनवेलप को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही होती हैं, और इनवेलप जो है उनमें से हर कर्व के ऊपर टेंजेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ एक रूट होगा, एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ। तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, b² - 4ac = 0, और b यहाँ पे कितना है, यहाँ पे b है माइनस, देखें माइनस x, ठीक है, टेन अल्फा के साथ जो कुछ लिखा होगा वो b है, टेन स्केयर अल्फा के साथ जो कुछ लिखा है वो a है, और ये c है, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस x, तो b² - x² तो क्या आ जाएगा, x² - 4, a यहाँ पे कितना है g² / 2v0² और c कितना है g² / 2v0² + y, और इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन सिंपल आपने करनी है, 2 से कैंसिल आउट कर दें और इसको उधर ले जाएं बच्चों, उसके बाद आपके पास ये 1 इधर रह जाएगा और g की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जी को कॉमन ले लिया, उसके बाद जी ये जो वी नॉट की पावर 4 इसको ऊपर ले गए और जी को इधर ले आए नीचे इसके, और इसके बाद हमने क्या किया, असल में हम जा रहे हैं पैराबोला की इक्वेशन बनाने में, पैराबोला क्योंकि हमारे पास जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी है ये इसकी अपनी स्ट्रक्चर पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको पैराबोलिक की इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² = -2v0² इसको हम -2v0² को कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2v0² को जब कॉमन ले लेंगे तो ये 2v2 का बाहर आ जाएगा, v0² यहाँ रह जाएगा, और जो हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस में माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे y और ये जो g इधर था उसको इधर लाके हमने डिवाइड कर दिया, वो बोला g इधर आ गया नीचे, ठीक हो गया। तो और ये बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, आपको याद होगा हमने इक्वेशन पढ़ी थी x² = -4ay,
और इसको हम जब जनरलाइज फॉर्म में लिखते थे तो हम लिखते थे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू वाई माइनस के, ठीक है। और एच के हमारे पास क्या होता था बच्चों, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होता था। यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है, यानी पैराबोला ऑफ सेफ्टी का जो वर्टेक्स है वो क्या है, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर 0, वाई माइनस के, तो के की जगह यहाँ पे क्या है, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, इसका मतलब है 0, v0 square over 2g इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है यहाँ पे, ठीक है। और ये -4a माइनस, वैसे ये 4a यहाँ पे किसके इक्वल है, 2v0 square over g, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी की डेरिवेशन आप लोग अच्छी तरह करें, और जो पिछले दो क्वेश्चन करवाए हैं उनको आप लोग समझ के इनको आज ही खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।